तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो आज 31 जुलाई, चलिए देखते हैं अभी भी क्या अपडेट आई है आपके सारे बिहार के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्ज़ाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, का सबसे बहुत बड़ा टॉप हेडलाइन आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रहा है, CBSE 12वीं का रिजल्ट आ चुकी है जिसमें पटना जोन के 98.9% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। पढ़ने को मिल जा रहा है कि पिछले साल से आपको 24% ज़्यादा लोग पास किए हैं और आपके यहाँ पर टॉपर्स की भी देखने को मिल जा रही है। अगली अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है रिक्त की गणना, अब 2 अगस्त तक छठे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए नया शेड्यूल जारी। 18 अगस्त से 17 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। नियोजन द्वारा अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक आएगी। CBSE 12वीं बोर्ड के परिणाम आते ही खुशियां देख पा रहे हो आप छात्रों के चेहरे पर। अब बात करें उसके साथ ही साथ पढ़ने को मिल जा रही CBSE रिजल्ट, इस बार कंबाइंड मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जारी करेगा बोर्ड। जो छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं उनके लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। आप पढ़ने को मिल जा रहा है कि इसमें 6149 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षा भी देनी होगी इस साल ही, तो उनकी भी डेट 16 अगस्त से 15 अगस्त तक, आपके 15 सितंबर तक आपकी ये जो बोलते हैं आप बोर्ड परीक्षा सभी का लेगा। और यहाँ पे कितने जून बस कितना रिजल्ट आया आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में डॉल्फिन सेंटर की शुरुआत, जल्द होगा रिसर्च शुरू। NIT पटना की 10 विभागों में PhD प्रवेश का इंटरव्यू पूरा हो चुका। आपको अगला अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर इग्नू की तरफ से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि इग्नू की परीक्षा 3 से शुरू होगी पटना में 21 सेंटर। पढ़ने को मिल जा रहा है कि अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों की फाइनल परीक्षा 3 अगस्त से शुरू हो रही है जो 9 सितंबर 2021 तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए लगभग देश भर में 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पटना में 21 केंद्र पर परीक्षा होगी जिसमें 3 परीक्षा केंद्र पटना शहर एवं 3 परीक्षा केंद्र केंद्रीय कारागारों में बनाए गए हैं। तो ये थी अपडेट आपके इग्नू एग्जाम की तरफ से। STT 2019 के लिए महिलाओं को अलग से उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट नहीं। पटना कॉलेज के नए प्राचार्य ने ग्रहण किया अपना पदभार। पटना यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हुए नियुक्त। सोमवार को ज्वाइन करेंगे सभी नए रजिस्ट्रार। पढ़ने मिल जा रहे हैं आपको यहाँ पर कि आपके पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार सोमवार से पदभार अपना संभालेंगे। वही एक और अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे हो, अब प्रोफेसर जितेंद्र कुमार भी PPU के रजिस्ट्रार बने रहेंगे और साथ ही साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। DPSC की मेधा सूची में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। अपने बुजार एक और अगली अपडेट मगध महिला कॉलेज की तरफ से कि मगध महिला कॉलेजों में इस साल भी नए कोर्स की शुरुआत नहीं, हालांकि पटना वुमेंस कॉलेज एक नए कोर्स शुरुआत करने जा रहा है। अगली अपडेट इग्नू की जो एग्ज़ाम होने वाली है टर्म इंड एग्ज़ाम पर उसके लिए एडमिट कार्ड आपको इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा जिससे आपको परीक्षार्थियों को हॉल टिकट एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। हॉल टिकट यू की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। अगले अपडेट पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से छात्राओं स्लम के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएगी और कोरोना के कारण बीच में रुक गया था प्रोग्राम वो भी अब कंटिन्यू होगा। क्लैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जिस पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त, मेरिट लिस्ट कल होगी जारी। तो क्लैट में सफल स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। काउंसलिंग में शामिल स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। वही पढ़ने में जा रहे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स सीट को स्वीकार या लॉक करना होगा और दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। 5 अगस्त से पहले NLU को शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद दूसरी आवंटन सूची में 9 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। तीसरी आवंटन सूची 13 अगस्त को की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसलिंग फीस के रूप में प्रत्येक स्टूडेंट को 50,000 जमा करनी होगी। इसके लिए एक विंडो शुरू हो गया है। तो ये देख पा रहे हो कि पूरी प्रोसेस है आपकी कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी लॉ कॉलेज में एडमिशन का। तो दोस्तों अगला अपडेट को पढ़ने को मिल जा रही है CBSE 10वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने वाले है। CBSE 10वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी करेगा। अब तक स्कूलों की लापरवाही के कारण रिजल्ट में सुधार नहीं हो पाया है। बोर्ड की ओर से तय मानक से अधिक अंक देने के कारण रिजल्ट में विलंब हो रहा है। अभी तक 10वीं के रिजल्ट में सुधार की प्रक्रिया जारी है लेकिन बोर्ड की आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। मैंने फुल प्रोसेस भी बना के डाल दी है कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट बोर्ड के आपने देखा नहीं, रिजल्ट आएगा तो कैसे चेक करनी होगी। तो आप वीडियो हमारे चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलेगी।
तो मेरे फिर अगला अपडेट आपको दौड़ने को देखने को मिल जा रही है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के। हालांकि मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको ये जानकारी दे दी थी, पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दूँ क्या लिखा हुआ है। तो पटना यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन सबमिशन होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए 2020 का, देख पा रहे ये सारे कोर्सेज जो कि कोर्स नीचे गिवन है, 31 जुलाई से आप 10 अगस्त बिना लेट फाइन के भर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, और 11 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको लेट फाइन 50 रुपये पर दिन के हिसाब से लगेगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको दिख रहा है जो कि मैंने आपको वीडियो के बताया था www.pattnayuniversity.ac.in पर जाके फॉर्म भराएगा। 31 जुलाई से पोर्टल खुल जाएगा, आप 14 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा। किस किस कोर्स में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने वाला है आप जानकारी समझ लीजिए अच्छे से। एलएलबी सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 2020-23 में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, और आपके पीयू का डीडी पता है आपको ऑलरेडी, सेमेस्टर पीयू का सेमेस्टर वन सेशन 2020-21, यहाँ पे हो सकता है पीजी लिखा गया हो गलती से, और पीजी लिखा होता पर पीयू लिखा गया है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 2020-21 का, बीएफए सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 2020-24 का, बीएफए सेमेस्टर थर्ड सेशन 2019-23 का, बीएफए सेमेस्टर फाइव सेशन 18-22 का, बीएफए सेशन 7 सेशन 17-21 का। तो इन सारे सेशन इन सारे कोर्सेज में आप सभी की एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के डेट आ चुकी है आपके पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगली अपडेट आपको पटना में जा रही है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके राम कृष्ण द्वारिका कॉलेज यानी आरकेडी कॉलेजेस की तरफ से कि देख पा रहे हो एनसीसी में नामांकन हेतु सूचना। इस महाविद्यालय में नामांकित स्नातक प्रथम वर्ष 2021 और इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष 2021 के छात्र छात्राओं का एनसीसी 2021 बैच में नामांकन हेतु निम्नलिखित विवरण दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा या व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दे, जिसे चयन हेतु बुलाया जा सके। मैसेज की शुरुआत में जय हिंद जरूर लिखे। तो देख पा रहे आपको ये सारे, अगर आप भी एनसीसी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट अपने इस कॉलेजेस में, तो आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। डिटेल्स आपको एक फॉर्मेट पर लिख करके भर करके आपको यहाँ पे देख पा रहे हो नंबर समय पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। अगली अपडेट आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रही है मौलाना मजरूल हक अरबी कैन पारसिक यूनिवर्सिटी की तरफ से, MMHAP यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आई है आपको यहाँ पर देख पा रहे हो। KRC डायरेक्टर ऑफ चार्ज इंचार्ज ऑफ KRC आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगा ऑलरेडी, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। स्टूडेंट्स आपको फॉर्म फिलअप करना है एट कंसर्न KRC सेंटर से ही 2 अगस्त से 9 अगस्त तक। किस किस कोर्सेज का, तो BCA का, BBA का, BGMC का, Part 1 Part 2 Part 3 का और BLIS का भी, और बात करें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट आ चुकी है। अपडेट समझ लीजिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का आपको सबमिशन का डेट और फी कितना लगेगा आपको जो भी KRC के द्वारा। तो ऑनलाइन फी विदाउट लेट फाइन आप सबमिट करेंगे तो 10 अगस्त से 16 अगस्त तक आपको लगेगा देख पा रहे 1050 रुपये फॉर्म का, यानी 1050 रुपये। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन फी कर रहे हैं लेट फाइन आपको लगेगी 17 अगस्त के बाद, और जो कि 18 अगस्त तक आप करोगे तो 200 रुपये लेट फाइन लगेगी, यानी आपको 1250 रुपये देना होगा। वही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बात करें तो विदाउट लेट फाइन आपको 550 रुपये तो फॉर्म का लगेगा ही, यानी 550 रुपये लगेगी, और लेट फाइन 200 रुपये लगेगा यानी 750 रुपये लगेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को जा रही है कि जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनको भी सबमिट करना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, ऊपर जो शेड्यूल गिवन उसी के हिसाब से, और आपको पेमेंट करना होगा लिंक, वो भी अवेलेबल रहेगा आपके ऑलरेडी पोर्टल पर। तो उसको आप जब तक पेमेंट करिएगा नहीं वेबसाइट से तब तक आपका ये फॉर्म भराएगा नहीं, फॉर्म फिलअप होगा नहीं। प्लीज़ सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको जो ऊपर नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो 23 अगस्त से पहले सबमिट कर देनी है स्पीड पोस्ट या कुरियर से। आपको यहाँ पर देख पा रहे हो ये MMHAP का ऑफिस है मीठापुर फार्म एरिया मीठापुर में, वहीं पर आपको जमा कर देनी है, जिसमें देख पा रहे आपको कवरिंग लेटर देना है, इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिस्ट देना है, प्रिंटेड कॉपी देना है, फी रिसिप्ट देना है, ड्यू डेट अटैच, और ये सारे मार्कशीट और ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स का, ठीक है। तो इनका भी डॉक्यूमेंट रहा तो आपको एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी अपडेट आपकी इस MMHAP यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी एग्जाम से फॉर्म को लेकर के। अगली अपडेट LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पढ़ने को मिल जा रही है। यहाँ पर स्नातक द्वितीय खंड यानी ग्रेजुएशन पार्ट टू परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा अपडेट कि सूचित किया जाता है आप सभी को कि स्नातक द्वितीय खंड देख पा रहे परीक्षा 2021-22 का परीक्षा पत्र एग्जामिनेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर लिया जा रहा है। तो बिना विलंब शुल्क आपके पास अभी समय है, 2 अगस्त से 20 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हो अपने ग्रेजुएशन पार्ट टू एग्जाम का, और उसके बाद अब देख पर आपको 30 रुपये लगेगा विलंब शुल्क। तो 21 अगस्त के बाद अगर 20 अगस्त के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो 21 अगस्त से 27 अगस्त आपको 30 रुपये लेट फाइन देना होगा, उसके साथ जो भी आपको एग्जाम फॉर्म का फी होगा। आप सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है, पढ़ने को मिल जा रही है कि बाद में उसका फिर प्रिंटआउट निकाल के आपको अच्छे से उसको जमा करना होगा महाविद्यालय में। और प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता अनुरोध है कि छात्रों द्वारा जमा किए गए परीक्षा प्रपत्र की प्रिंटेड प्रतिलिपि सहित एक समेत सूची बनाकर परीक्षा विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के 2 दिनों के बाद अवश्य ही उपलब्ध करा दे। यदि परीक्षा प्रपत्र एग्जाम फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे अपने स्तर से सुधार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो थी आपकी LNMU यूनिवर्सिटी से एग्जाम फॉर्म लेके बहुत बड़ा अपडेट।
अगली बार पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर के 21 से 22 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आया था, तो मैंने वहाँ से आपको यहाँ पे इसीलिए वीडियो में दिखाना जरूरी समझा कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस साल अपने ग्रेजुएशन की कोर्सेज में, ग्रेजुएशन में, तो एडमिशन शुरू आपके पटना यूनिवर्सिटी में 1 अगस्त से 20 अगस्त तक रहेगी। आपको सिर्फ 20 दिन दिया जाएगा, यानी 20 दिन आपके पास सिर्फ रहेंगे। जिसके लिए बात करें आपको वेबसाइट पटना यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही फॉर्म फिलअप होगा, नोटवरी का जैसे शुरू होगा मैं फुल स्टेप का वीडियो ले आऊँगा, बस ही कमेंट कर देना। अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज रेगुलर 3 साल के कोर्स एडमिशन ले सकते हो, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स, और सेफ फाइनेंसिंग कोर्स में कौन कौन से कोर्स आ गए तो यहाँ देख लीजिए, बीकॉम ऑनर्स बैच बीसीए और बीबीए देख पा रहे, बी ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में, बीए सोशल वर्क में, इतने सारे कोर्सेज आ गए। और एडमिशन नोटिस एलएलबी की और बैचलर लाइब्रेरी साइंस की और फाइन आर्ट्स की और पीजी कोर्सेज की वो बाद में फिर डेट निकाली जाएगी। तो ये थी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रार की तरफ से एडमिशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट जो कि ऑफिस नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने सोचा आपसे भी आज के स्टूडियो में बता दूँ। माय डियर फ्रेंड, आज का सबसे बहुत बड़ा अपडेट रेलवे की तरफ से, आप में से बहुत सारे लोगों को वेट होगा, वेटिंग में होंगे अभी जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है हमारे वीडियो कमेंट से कमेंट कर दे, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट देख पा रहे हो। CN2 2019 नोटिस आ गई आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल की CBT 1 की, तो पढ़ने पर जा रही है फर्स्ट से CBT का जो होगा मल्टीपल फेज में होगा, COVID-19 गाइडलाइंस को के मतलब गाइडलाइंस को पालन करते हुए होगा, जिसमें 1.15 लाख करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और फर्स्ट फेज जो एग्जाम होगा वो इसमें 23 लाख कैंडिडेट्स रहेंगे जिनका एग्जाम 16 अगस्त से 30 अगस्त तक होगा, सारी कंट्रीज में पड़ेगा। और जो कैंडिडेट्स जो इस पर्टिकुलर फेज में आएंगे तो उनको लिंक एग्जाम सिटी का और डेट और मतलब डाउन करने का टाइम हॉस्पिटल, अगर वैसे सिस्टम आते हैं तो उनको आरआईबी की वेबसाइट पर मिल जाएगी 10 दिन पहले एग्जाम से, और कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे 4 दिन पहले मिलेगा। और जो फर्स्ट फेज में से नहीं होंगे शेड्यूल, जिनका फर्स्ट में एग्जाम नहीं होगा, तो उनका मैसेज आएगा कि आप शेड्यूल नहीं है इस प्रेजेंट फेज, उनका अगले फेज में एग्जाम होगा। तो कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के वीडियो का पढ़ने मिल जा रही है। VKS यूनिवर्सिटी की तरफ से ही 10 तक स्नातक में नामांकन के लिए कर सकते हैं आवेदन। अगले बार बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि डॉक्टर अजीत कुमार बनाए गए स्पोर्ट्स काउंसलिंग के सचिव। अगले बार देख पा रहे हो MDDM कॉलेज की तरफ से छात्राएं कर रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन का शोध और शिक्षक नियोजन, जितनी सीट उस पर नियोजन के बाद हटाए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। अगले बार बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से PG आवेदन में सुधार के लिए 4 तक खुलेगा पोर्टल, तो 2 से 4 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा। तीसरी मेधा सूची भी एडिट करने के बाद 5 अगस्त के बाद निकलेगा। पटना बुझा रहे कि दूसरी मेधा सूची से PG में दाखिले शुक्रवार को पूरा हो गया और छात्रों के आवेदन में सुधार के लिए 2 से 4 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा। तीसरी मेधा सूची एडिट करने के लिए 5 अगस्त तक के बाद ही निकलेगा। PG की तीसरी मेधा सूची निकलने से पहले 2 मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है उन्हें आवेदन में सुधार करने का मौका दिया गया है, वहीं उनको ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होगी तो वे सुधार कर सकते हैं। अगले पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी डिग्री के विभिन्न कोर्सेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई। पर पर यहाँ पे 10 अगस्त कर दी गई है, यहाँ पर आपके BA, BSc यानी ग्रेजुएशन के और BCom, BC ऑनर्स, BBA और CND के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि 1 अगस्त से 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अगली अपडेट पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से BBA BCA की सत्र के ऑन स्पॉट एडमिशन में मिले रजिस्ट्रेशन का मौका, ऑनलाइन में हो रही है परेशानी। अगला देख पा रहे हो डिग्री में रजिस्ट्रेशन व पार्ट टू में नामांकन की तिथि आगे बढ़े, देख पा रहे हो इसके लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपते छात्र परिषद के सदस्य। अगली अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है कि TMU यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉपी खरीद को सिंडिकेट की मोहर जरूरी, पर बैठक को तो TMU तैयार ही नहीं, 5 माह से नहीं हुई है सिंडिकेट की बैठक, फिलहाल कोई तैयारी भी नहीं। ये भी आपका पढ़ने को जा रही है TMU भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब तक यही तय नहीं हो सका है कि पैट लेना कितने सीटों पर है, पैट आवेदन की तिथि घोषित करने के 5 दिन बाद अपलोड हुआ है फॉर्मेट, 539 रिक्तियाँ कम पड़ी तब 31 दिसंबर तक प्रोबेशन पीरियड पूरा कर रहे शिक्षकों की वैकेंसी मांगी। तो यह हाल है भी TMU यूनिवर्सिटी के तक का। एक और अपडेट की TMU में स्नातक की सत्र 21 से 24 में दाखिले लेने के लिए आपके पास 3 दिन अभी और हैं। अगली बार देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे SMD कॉलेज की तरफ से है ये सूचना कि आप सभी की जो मतलब क्लासेस जो पढ़ाई है महाविद्यालय की वो सुबह 10 से 4 बजे तक होगी। देख पा रहे ये कुछ अपडेट आई थी, तो जिसे आप पढ़ लीजिएगा, ये अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम से अपलोड करा दूंगा। अगली बार बिहार के 11 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 5000 अभी भी पद खाली हैं। अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पढ़ने मिल जाएगा कि कोसी कॉलेज के जय छात्रावास के पूर्णिमान पर आश्वासन मिलने पर छात्रों ने तोड़ा अपना अनशन, पर पड़े 12 अगस्त से 22 मार्च तक 3 चरण में चलेगा कैंपन, ये था कैंपस अलर्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास की अपडेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस तरह के अपडेट से पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ये सारी जानकारी आप अपडेट्स पढ़ पाओगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाने जाइए, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए देखने को मिलेगी। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।